हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में बात। तो इसमें हम आज देखेंगे ओशियन इंजीनियरिंग एंड नवल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो इसमें दो कोर्स हैं, एक तो 4 साल वाला कोर्स है, एक 5 साल वाला कोर्स है। इसमें दोनों कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी दोनों कट ऑफ देखेंगे कि कितनी है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ओशियन इंजीनियरिंग में सब कैटेगरी के बारे में बात करूँगा कि ये कौन सब कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी में मिल जाता है, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, ये सब कैटेगरी की बात करूँगा, ठीक है। तो ये ओपनिंग रैंक है, ये क्लोजिंग रैंक है, ये वाली क्लोजिंग रैंक है, ये ओपनिंग रैंक है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में ये मिलती है आपको 4703 रैंक से लेके 5759 रैंक तक मिली है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में है वो 2288 रैंक से मिलती है 2426 रैंक तक। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको मिलती है, चौथी रैंक वाले को मिली थी, ठीक है। एससी कैटेगरी में मिलती है 976 रैंक से लेके 1613 रैंक तक। एसटी कैटेगरी में मिलती है ये 575 रैंक से लेके 732 रैंक तक। अब बात करते हैं 5 साल वाले कोर्स के बारे में। तो ये जनरल कैटेगरी वालों को मिलती है, जनरल कैटेगरी वाले को मिलती है 5292 रैंक से लेके 6484 रैंक तक। जनरल कैटेगरी में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको मिलती है 189 रैंक वाले को। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में है उनको मिलती है 2597 रैंक से लेके 2779 रैंक तक। एससी कैटेगरी में मिलती है ये 1633 रैंक से लेके 1700 रैंक तक। और एसटी कैटेगरी में मिलती है ये 810 रैंक से लेके 992 रैंक तक, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया दोनों कट ऑफ के बारे में बता दिया, एक तो 4 साल की कट ऑफ, एक 5 साल की कट ऑफ, ठीक है। जो 5 साल में जो होता है जो उसमें बीटेक प्लस एमटेक दोनों कराई जाती हैं, ठीक है। जो 4 साल के कोर्स में सिर्फ ओनली बीटेक कराई जाती है, ठीक है। और इसमें बीटेक वाला कोर्स बेस्ट माना जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरी या क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।